सभी को मेरा प्रणाम। आज इस वीडियो के माध्यम से आप तनाव से मुक्त होने का बहुत ही सरल तरीका जानेंगे। कोरोना के कारण हर व्यक्ति तनाव में है, आर्थिक नुकसान और जीवन में कई तरह की और समस्याओं से घिरा हुआ है, तो ऐसे में तनाव बढ़ना स्वाभाविक है। तो तनाव को कम करने के लिए केवल ध्यान ही एक ऐसा उपाय है। यदि आप निरंतर ध्यान का अभ्यास करते हैं तो आप तनाव मुक्त हो सकते हैं। और ये तनाव जब बहुत अधिक बढ़ जाता है तो बड़े से बड़े दृढ़ व्यक्ति को भी कमजोर कर देता है। ऐसे विचार उसके दिमाग में उसको प्रभावित कर देते हैं कि व्यक्ति आत्महत्या तक की भी विचार कर बैठता है। आप देख रहे हैं समाज में दिन प्रतिदिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, भय बढ़ रहा है। तो ऐसे में मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। तो आज इस वीडियो में आप मेरे साथ ध्यान की उस सरल विधि को करेंगे और सीखेंगे, और ये संकल्प करेंगे कि हर रोज आपको इसे करना है। जब आप प्रतिदिन ध्यान करेंगे तो आप पाएंगे कि आप मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और कोई भी नेगेटिव विचार आपको प्रभावित नहीं करता। क्योंकि केवल कहने मात्र से कि मैं आपको समझाऊं कि आप नेगेटिव ना हो और आप नेगेटिव होना छोड़ दें, ऐसा बड़ा कठिन है। उसके लिए आपको एक प्रक्रिया से गुजरना होगा, योग की एक प्रक्रिया जो आप में एक रूपांतरण लाती है और आपकी नेगेटिविटी को समाप्त कर देती है। और जब नेगेटिविटी समाप्त होगी तो पॉजिटिविटी स्वतः आने लगती है। तो आज हम उस विधि को जानें इस वीडियो के माध्यम से, और आप सभी लोग मेरे साथ करें। 11 मिनट का ध्यान हम करेंगे। तो सबसे पहले अपनी आंखें बंद करें, हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें, अपने फर्स्ट उंगली और अंगूठे के टिप पॉइंट को आपस में टच करें, बाकी तीनों उंगलियां इस प्रकार से सीधी रहे। अपने हाथों को नीचे रखें, घुटनों पर रख सकते हैं या थाइस पर रखें, जहां आपको कंफर्टेबल फील हो। अब पहले 3 बार ओम का नाद करेंगे, नासिका से ओम को बोलेंगे। जब हम ओम का नाद करेंगे तो हमारे होठ मिले रहें और जबड़े आपस में खुले रहें, जबड़े नहीं मिलेंगे आपके, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और श्वास को सहजता से अंदर लेंगे और ओम का नाद करते हुए ध्वनि को उत्पन्न करेंगे इस प्रकार से। अब धीरे से अपने मन को अपने श्वासों पर ले जाओ, अपने मन को अपने श्वासों के ऊपर, और ओम के नाद की जो वाइब्रेशन आप अपने सिर भाग के चारों ओर फील कर रहे हैं उसे निरंतर महसूस करते रहो। ओम की वाइब्रेशन आपके चारों ओर हो रही है, उसे महसूस करो। धीरे धीरे श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो। ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है ध्यान की, कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक।
अब धीरे धीरे ओम के नाद को महसूस करते हुए अपने ध्यान को अपने नासिका के अग्रभाग पर ले आओ। अपर लिप्स और नोज, नाक और ऊपर के जो होठ है उसके मध्य अपने ध्यान को केंद्रित करो। गर्दन को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाएं, आंखें बंद रहें, धीरे धीरे अपने श्वास को देखो, अपने श्वास को देखना प्रारंभ करो धीरे धीरे। श्वासों को लंबा गहरा ले जाओ अपने शरीर में, लंबा गहरा श्वास बाहर छोड़ो धीरे धीरे। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही सहजता से होनी चाहिए। आते जाते श्वास को आप महसूस करो। ओम के नाद से पूरे शरीर में एक वाइब्रेशन होने लगती है। श्वास लेते हुए उस वाइब्रेशन को संपूर्ण शरीर में महसूस करो, ऊपर से नीचे की ओर पूरे शरीर में उस वाइब्रेशन को महसूस करो। नीचे से ऊपर की ओर, पैरों के तलवों से सिर भाग की ओर उस वाइब्रेशन को महसूस करो। धीरे धीरे श्वास लेते जाओ, छोड़ते जाओ। अब ये प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए, श्वास लेना छोड़ना निरंतर। अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखो और आते जाते श्वास को देखते रहो, महसूस करते हुए गहरा श्वास भरो। नासिका के अग्र भाग पर पूरा ध्यान केंद्रित करो। श्वास को जितना धीमी गति से आप भर सकते हैं भरें, अपने सहजतानुसार करते जाओ, रुकना नहीं, थकना नहीं। मन कहे रुकने के लिए तो भी नहीं रुकना, गुरु के निर्देश का पूरी तरह से पालन, मन की नहीं सुनना। मन ध्यान से ही सजता है, शरीर शुद्ध होने लगता है जब निरंतर ध्यान के मार्ग पर आप आगे बढ़ते जाते हो। अपने श्वास को निरंतर देखो और गहरा श्वास भरो। गहरा श्वास बाहर छोड़ो। आते जाते श्वास की प्रक्रिया को महसूस करो। ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है ध्यान की। आप तनाव मुक्त हो रहे हैं। जैसे जैसे ध्यान की गहराई में आप उतर रहे हैं, तनाव से मुक्त होते जा रहे हैं। अब कोई भय नहीं आपके भीतर, कोई कोरोना का भय नहीं, कोई आर्थिक नुकसान का डर नहीं। आप जरा सोचो, जब आप इस संसार में आए थे तो आपके पास क्या था? आपने मेहनत की, आपने सब कुछ अर्जित किया। अब यदि कुछ दिन के लिए आप विश्राम करें, आप अर्जन रोक दें, तो क्या होगा? आवश्यकताओं को कम कर दो, बस
जो आवश्यकताओं को कम कर देगा उसके लिए जीवन सहज लगने लगेगा, उसके जीवन की कठिनाइयां सरलता में बदलने लगेगी। अपेक्षाओं को कम कर दो, जो सिचुएशंस है उसके साथ तालमेल बैठाओ, अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करो, अपने आप को असहाय महसूस मत करो, आप निडर हो, आप अपार शक्ति के स्वामी हो, आपके भीतर अपार शक्ति है, श्वासों के साथ उस शक्ति से कनेक्ट हो जाओ, अपने भीतर की शक्ति से जुड़ो गहरे श्वासों के साथ, श्वास बहुत ही सरल माध्यम है अपने आप से जुड़ने का, अपने आप से भागना नहीं, जब आप अपने आप से भागने लगते हो तो आप अकेला पाते हो, अपने आप को असहाय महसूस करने लगते हो, उस परम पिता परमात्मा की उसकी छत्र छाया को महसूस नहीं कर पाते, वह परमात्मा आपके साथ है ऐसा महसूस करो, उसकी शक्ति निरंतर श्वासों के साथ आपके शरीर में एंटर हो रही है, आपके शरीर में प्रविष्ट हो रही है, आप ऊर्जावान हो रहे हैं। जिस प्रकार से आपने अपनी मेहनत से सब कुछ अर्जित किया, अपने जीवन को उन्नति दी, आप वैसे ही फिर से सक्षम हो, अनुभव है आपके पास, जब आपने पहले अपने जीवन की यात्रा शुरू की थी तब आपके पास अनुभव नहीं था, अब आपके पास अनुभव भी है तो चिंता किस बात की, डर किस बात का, तनाव किस बात का, ध्यान करो और अपनी शक्तियों को पहचानो, अपने भीतर उस परमात्म तत्व को जानो जो आपके भीतर विद्यमान है और भय मुक्त हो जाओ, आप ईश्वर पुत्र हो, ईश्वर पुत्री हो, ईश्वर की निरंतर कृपा आपके ऊपर है, उसका आशीर्वाद आपके ऊपर निरंतर बना हुआ है, अच्छा सोचो, सकारात्मक सोचो, गहरे श्वासों के ऊपर पूरा ध्यान निरंतर आते जाते श्वासों को महसूस करो, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी, जब आप श्वासों के साथ लय हो जाते हो तो शरीर पूरा एक सिस्टम में आ जाता है और सही से काम करने लगता है अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ, तो ध्यान आपके जीवन में एक बदलाव लाता है, बड़ी से बड़ी चुनौती को आप यदि चुनौती देना चाहते हो तो हर रोज ध्यान करो, अब धीरे धीरे अपने मन को अपने आज्ञा चक्र पर ले जाओ, आज्ञा चक्र जहां आप तिलक लगाते हो, अब श्वासों से ध्यान को हटा दो और अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान को एकाग्रचित कर दो, आज्ञा चक्र पर धारणा करो, कॉन्सेंट्रेशन करो, देखते रहो अपने आज्ञा चक्र को, गर्दन को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा कर रखो और परम पिता परमात्मा की कृपा को अनुभव करो अपने ऊपर, उसकी कृपा आपके ऊपर बरस रही है वर्षा के रूप में, आप उसमें ओतप्रोत हो रहे हो, परमात्मा शक्ति में ओतप्रोत हो रहे हो, अब कोई भय नहीं आपके जीवन में, कोई निराशा नहीं, कोई हताशा नहीं, अब आप उत्साह से भर रहे हो, अब आप ऊर्जा से परिपूर्ण हो रहे हो, देखते रहो अपने आज्ञा चक्र पर, ध्यान हटे तो वापस लगाओ, वापस फिर से केंद्रित करो अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर जहां आप तिलक लगाते हो अपने मस्तक के ऊपर, दोनों आईब्रो के मध्य बस देखते जाओ, ये आज्ञा चक्र इस भाग पर पूरा ध्यान करना है, धारणा करने, धारणा से ही ध्यान उत्पन्न होता है और ध्यान से समाधि, और समाधि में सब जीवन की समस्याओं का समाधान हो जाता है, यही समाधि है।
देखते रहो अपने आजा चक्र पर पूरा ध्यान। स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखो। परमात्मा की अनुकंपा को महसूस करते जाओ। आप सक्षम हो वापस फिर से पुनर्निर्माण में। यही तो मनुष्यता है। तो डटा रहे जो हिम्मत न हारे वही मनुष्य है, जो अपने मन के नियंत्रण में लाकर मन को नियंत्रण में कर ले वही मनुष्य है। मन को अपने कंट्रोल में करो, अपने आज्ञा चक्र पर निरंतर एकाग्रता करते हुए वापस फिर से 3 बार गहरे श्वास लो। अपने फेफड़ों को फुलाओ, अपने लंग्स को पूरा फैलाओ जितना फैला सकते हो। फिर से 3 बार ओम का नाद करो। होठों को मिलाते हुए, जबड़ों को खोलते हुए, पूरी वाइब्रेशन को फील करते हुए 3 बार। दोनों हाथों को जोड़ें, परमपिता परमात्मा से अच्छे स्वास्थ्य की कामना करो। जीवन में उत्साह बना रहे, जीवन हर्षपूर्ण हो, उन्नतिपूर्ण हो, ऐसी प्रार्थना करो। तनाव मुक्त हो कि हे परमपिता परमात्मा, आप सब पिताओं के भी पिता हो, आप ही पालनहार हो, समर्पण करो ऐसा। आप निरंतर मेरी रक्षा कर रहे हो, मेरा पालन कर रहे हो, आपकी निरंतर छत्र छाया मेरे ऊपर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए दोनों हथेलियों से आपस में घर्षण करो। अपनी आंखों पर रखो अपने हाथों को और धीरे से अपने हथेलियों को अपने संपूर्ण शरीर पर फहराओ। इस ऊर्जा जो योग ध्यान से उत्पन्न होती है, इसे अपने संपूर्ण शरीर पर फहराओ और धीरे से आंखें खोलें, रिलैक्स करो। इस प्रकार से आपको हर रोज ध्यान का अभ्यास करना है। यदि आप ध्यान का अभ्यास करेंगे तो आपके जीवन में तनाव नहीं आएगा, भय नहीं होगा। हर विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी आप उसका मुकाबला कर सकोगे, इतनी सामर्थ्य आपको ध्यान से मिलेगी। और ध्यान ही एकमात्र उपाय है, ये मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। ध्यान ही एक सभी समस्याओं का समाधान है। बस आप करना प्रारंभ करें और उसके परिणामों को देखें, आपके जीवन में एक ही सप्ताह के अंदर एक परिवर्तन आने लगेगा और आप पहले से ज़्यादा उत्साह में, ऊर्जा में अपने कार्यों को करने लगेंगे। तो बहुत ही सरल विधि से आज हमने ये बताने की कोशिश की, आपको ध्यान कराया है आपको आज बहुत सरल विधि से। ध्यान की बहुत विशेष और गहरी
अनुभव में यदि आप जाना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा एक महायोग ध्यान का 3 दिन का एक प्रोग्राम हम करते हैं। वो 3 दिन में आपकी पूरी एनर्जी को रूपांतरित कर देते हैं। जितनी भी नेगेटिविटी आपके अंदर है, आप कितना भी स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपके शरीर में थकान रहती है, आप 3 दिन का यदि महायोग ध्यान का प्रोग्राम अटेंड करते हैं तो आप पाएंगे 3 दिन में आपके शरीर में एक बड़ा परिवर्तन। तो अगले महीने जुलाई में ये प्रोग्राम होगा, हर महीने एक बार ये 3 दिन का प्रोग्राम होता है। तो जो भी आप लोग अपने आप को बदलना चाहते हैं, वापस उत्साह से जीवन को जीना चाहते हैं, तो 3 दिन के महायोग के प्रोग्राम में आप रजिस्टर जरूर करें और इसका अभ्यास जब आप करेंगे तो आप पाएंगे अपने जीवन में रूपांतरण। तो अभी हमने जो 11 मिनट का लगभग ही आपको ध्यान का एक सरल प्रक्रिया दी है, इसको आप जरूर करें, परिवार के साथ करें। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, भयमुक्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।